टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम भले ही पाकिस्तान को बुरी तरह हराने में कामयाब रही, लेकिन इस मैच के दौरान भारतीय टीम की कई कमजोरी भी निकल कर सामने आई है। खास तौर पर अक्षर पटेल के प्लेइंग 11 में लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जी हाँ, बात चाहे गेंदबाजी की हो या फिर बल्लेबाजी की, अक्षर पटेल असफल रहे। आपको बता दें, एक ओवर की गेंदबाजी में अक्षर पटेल कुल 21 रन लुटा दिए। इसके बाद बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए अक्षर पटेल को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया, लेकिन कुल 3 गेंदों का सामना करते हुए अक्षर पटेल 2 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। जबकि देखा जाए तो विकल्प के तौर पर भारत के पास कई ऐसे स्पिन ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी के साथ साथ तेज तर्रार बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल के असफल होने के बाद भारतीय टीम के फैंस उनकी जगह यूसुफ पठान को भारतीय टीम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यूसुफ पठान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनके शानदार फॉर्म को देखते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बाकी बचे मैचों के लिए अक्षर पटेल की जगह यूसुफ पठान को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। दरअसल हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड टी20 और लेजेंड्स टी20 लीग में यूसुफ पठान ने शानदार बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि यूसुफ पठान एक मैच फिनिशर बल्लेबाज हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अकेले दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम के करोड़ों फैंस भी मान रहे हैं कि अक्षर पटेल की जगह यूसुफ पठान होते तो अकेले ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा सकते थे। भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में यूसुफ पठान का चयन जरूर होना चाहिए। खैर, अब अक्षर पटेल के खराब प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम के चयनकर्ता भी उनकी जगह यूसुफ पठान को भारतीय टीम में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड कप के बाकी बचे मैचों के लिए भारतीय टीम में यूसुफ पठान का चयन होगा या फिर नहीं।